रश्मिका मंदाना डी फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डीसीपी इफ्सो हेमंत तिवारी जी। सर, कैसे पकड़ा गया आरोपी और कौन है ये आरोपी? अक्टूबर के महीने में एक बहुत ही नोटेड एक्ट्रेस का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके रिगार्डिंग इफ्सो को दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन से कंप्लेंट मिली थी। हमने मुकदमा दर्ज करके 500 से ज़्यादा सोशल मीडिया के अकाउंट को एनालाइज किया और मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कड़ी में सबसे पहले हम बिहार पहुंचे, वहां से लीड के आधार पर पंजाब एंड फिर दिल्ली एनसीआर में हमने कई लोगों से पूछताछ की, फिर तेलंगाना और अल्टीमेटली हमने अभी आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले से मुख्य आरोपी ई नवीन को गिरफ्तार किया, जो कि 24 साल का एक लड़का है। ई नवीन ने बीटेक कर रखा है चेन्नई से और बीटेक के अलावा उसने डिजिटल मार्केटिंग के कई कोर्स किए हैं और वो इस पर्टिकुलर एक्ट्रेस का एक फ़ैन पेज चलाता था। उसने देखा कि उसके साथी जो दूसरे एक्ट्रेस का या फ़ैन पेज चला रहे हैं उसमें फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, ये एक साल के बाद भी इसके फॉलोअर मात्र 90,000 हैं। तो जब इसे आइडिया आया कि इस तरीके से अगर डीप फेक वीडियो बना के सर्कुलेट किए जाएँ तो उसमें ज़्यादा सेंसेशन जनरेट होता है और ज़्यादा फॉलोअर मिलते हैं, इसके लिए इसने YouTube के एक पर्टिकुलर चैनल से एक कोर्स किया AI के माध्यम से कि कैसे डिजिटल एडिटिंग की जा सकती है। उसको यूज़ करके इस पर्टिकुलर केस में जो वीडियो है उसको उन्होंने एडिट किया और ये एक फेक वीडियो बनाया। ओरिजिनल वीडियो 9 अक्टूबर 2023 को एक ब्रिटिश इंडियन महिला ने डाला था अपने अकाउंट पे, उसको इन्होंने 12 अक्टूबर को उसको एडिट करके बनाया और 13 अक्टूबर को इन्होंने पोस्ट किया। 14 अक्टूबर से ये वीडियो वायरल होना चालू हुआ। सर, वीडियो वायरल होने के बाद क्या इसने डर के वीडियो डिलीट कर दिया था या जो पेज था उस एक्ट्रेस का वो बंद कर दिया था? जब 14 अक्टूबर के बाद जब ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ तो जो ये विक्टिम है हमारी, उन एक्ट्रेस ने इसके अगेंस्ट में ट्वीट किया कि मेरी प्राइवेसी का हनन है। उनके सपोर्ट में कई जो ऐसी फेमस पर्सनैलिटी है उन्होंने ट्वीट किया, तो इसको देख के और इतना वायरल हो गया तो ये डर गया और उसने जो फैन पेज है वो बाकी सब बंद कर लिया। सर, डीप फेक वीडियो होता क्या है, दर्शकों के लिए बताएं थोड़ा आप। डीप फेक वीडियो जैसे ओरिजिनल किसी का वीडियो आपने डाला है तो उसी में वो सुपर इम्पोज दूसरे किसी की इमेज कर देते हैं, और जो एक्चुअल डीप फेक होता है जिसमें बात मैं कर रहा हूँ, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो किसी और पूरी चीज़ें, मतलब कोई दूसरी चीज़ ऐसा लगेगा मैं बोल रहा हूँ ऑफेंसिव चीज़, और मेरी लिप सिंकिंग भी वैसे हो जाएगी। तो ये AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पूरा ऐसा करते हैं कि जो चीज़ एक्चुअल नहीं की गई या नहीं कही गई वो प्रतीत होती है कि जो पर्टिकुलर वीडियो में ऐसा दूसरी चीज़ की जा रही है। थैंक यू सर। तो ये हैं DCP हेमंत तिवारी जो बता रहे हैं कि किस तरह से रश्मिका मंदाना डी फेक वीडियो मामले में आरोपी को पकड़ा गया और वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में और ज़्यादा फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में उसने ये वीडियो डाला और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।